गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज हमारा नया पार्ट शुरू होने जा रहा है, पार्ट 8, री की मात्रा। किसकी मात्रा? री की मात्रा, पार्ट 8, री की मात्रा। और आपको पता है कि री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और री से क्या होता है? ऋषि, री से ऋषि। तो आप सभी मेरे साथ अपनी बुक का पेज नंबर 44 ओपन करेंगे। ओपन पेज नंबर 44। आज हम पढ़ने जा रहे हैं री की मात्रा के शब्द। किस कौन कौन से शब्द होते हैं री की मात्रा के, उन शब्दों को कैसे बोला जाता है री की मात्रा के शब्दों को, और कौन कौन से शब्द आते हैं री की मात्रा वर्ण के नीचे कर्व की शेप में बनाई जाती है, लगाई जाती है। तो आपको देखना है ये क्या है हमारे पास। री से ऋषि, री से ऋषि। तो ये क्या है बच्चों? री से ऋषि। इसी की मात्रा की हम, आप देख रहे हो कि री में मात्रा किस प्रकार से लगाई जा रही है। ये है हमारा री से ऋषि। तो आज हम ऋषि की मात्रा के यानी री की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द होते हैं। और भी मेरे पास कई चित्र हैं आपके जो कि री की मात्रा में होते हैं। जैसे ये है हमारा वृक्ष। क्या है? वृक्ष। आप सबने पेड़ पौधे देखे हैं, उनको री की मात्रा के शब्दों पे क्या बोला जाता है? वृक्ष। ये होता है वृक्ष। बापे री की मात्रा लग रही है, इस प्रकार बनता है वृक्ष। देखो बा वर्ण पे हमने री की मात्रा को कर्व की शेप में लगाया, तो ये क्या बन गया? वृक्ष। ठीक है बेटा, अगला है हमारा। और भी मेरे पास है, ये है म से मृग। मृग मीन्स हिरण, मृग मीन्स हिरण। ये है बेटा हमारा मृग। मृग को क्या कहा जाता है? मृग को कहा जाता है हिरण, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो मृग को भी ठीक हिरण कहा जाता है और हिरण को भी मृग कहा जाता है। देखिए आप माँ वर्ण पे किस प्रकार री की मात्रा लगाई जा रही है। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारा मृग। मृग मीन्स हिरण। तो मैंने आपको री से ऋषि, बा से वृक्ष, म से मृग री की मात्रा के बताए। अब आते हैं जो हम इतने प्यारे घर में रहते हैं और उसको री की मात्रा में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको ग्रह। ये क्या है? ग्रह। जो घर होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ग्रह को ही घर कहा जाता है, घर को ही ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सबसे पहले हमने पढ़ा री से ऋषि, री से ऋषि, ब से वृक्ष, री से ऋषि, ब से वृक्ष, री से ऋषि, ब से वृक्ष। फिर उसके बाद हम आए थे मृग, री की मात्रा में मृग, मृग। और हमने क्या देखा था बच्चों? और हमने देखा था अपना ग्रह। तो ये भी री की मात्रा का है मृग, जिसे हिरण कहा जाता है। ये भी री की मात्रा का है ग्रह, जिसे घर कहा जाता है। तो मृग हो गया और ये हो गया ग्रह। इस प्रकार हमने री की मात्राओं को चित्रों के साथ समझा। अब आते हैं हम अपने पाठ पे, अपने पाठ को पढ़ते हैं। तो सभी पेज नंबर 44 ओपन करेंगे। तो इसमें बेटा कई शब्द दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। आपकी बुक में सबसे पहले दिया गया है गर्मी की ऋतु। आपको पता है अब क्या चल रही है? समर चल रहा है, इसी को हम गर्मी की ऋतु कहते हैं। जो जिसमें हमें क्या होती है? गर्मी लगती है। और इस टाइम हमें ये धूप जो है इतनी तेज, इसमें गर्मी लगती है तो हमें ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करता है। तो उसमें हम क्या खाते हैं? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे ठंडे कस्टर्ड वगैरह हमें यूज करते हैं। बारिश की ऋतु, जो इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन। तो बारिश की ऋतु में हम पानी में नहाते हैं, बारिश में मजे करते हैं। जो पानी भर जाता है उसमें छोटी छोटी नाव बना के चलाते हैं।
गर्मी के मौसम में हम ठंडा ठंडा खाते हैं और सर्दी के मौसम में हम गर्म गर्म खाते हैं, बारिश के मौसम में बारिश का मजा लेते हैं और बारिश में हम बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं। बाहर जाना होता है तो अम्ब्रेला यूज करते हैं, छाता जिसको कहते हैं हिंदी में छाता। अगले अब और भी री की मात्रा के शब्द आते हैं, सभी अपनी बुक में देखेंगे। सबसे पहले आता है बेटा तृण, फिर आता है घृत, नृ, तृण, घृत, नृ, कृत, क्या होता है कृत, द्राक्ष, मृग, और भी है इनके अलावा ग्रह, धनुष चलाते हैं ना तीर कमान, धनुष बाण जब लाया तब
वह जब मृग धनुष बाण लाया, जब राजा धनुष बाण लेकर आया तो मृग वहां उसको देखकर घबरा गया। अगला है वृक्ष महान धरती का भूषण। वृक्ष कितना महान है, धरती का भूषण यानी सोना है, वो धरती में सोना उगाता है, फल फूल अमृत बरसाता है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, फसल नहीं होंगे तो हमारे लिए फल फूल अन्न कहाँ से आएगा। तो धरती का सोना क्या है, हमारा फसल है, हमारे वृक्ष है। कृपा मिलती शीतल छाया की, जब देखा है कितनी धूप में अपन कहीं इतना सफर करते हैं तो कहीं देखते हैं कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जहाँ छाया और वहाँ बैठ के ठंडा ठंडा जल पिए, है ना। तो जल पानी है ना, तो पेड़ छाया देते हैं हमें, फल फूल देते हैं, अन्य नाना अनाज देते हैं, जीवन सुख मिल जाता है। इन सभी से तो अपन को जीवन में सुख मिलता है, इनसे ही तो अपन का जीवन चलता है। तो अपनी उसमें क्या कहते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा, वृक्ष है। ये वृक्ष आप घर घर में लगाओ, बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना पेड़ लगाओ, आपकी स्कूल के द्वारा भी एक्टिविटी होती है पेड़ लगाने की, होती है ना। हर किसी को एक वृक्ष लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। पेड़ों की कटाई को कम करके पेड़ वृक्ष लगाने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, शीतल छाया देते हैं और वह हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि वृक्षों से ही हमें फल फूल सब चीजें मिलती हैं, खाने के लिए सब्जियां मिलती हैं, अन्य अनाज उगता है। तो वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं और वृक्षों को काटे नहीं, इसीलिए तो कहते हैं वृक्ष क्या है, महान है, धरती का भूषण है, धरती का सोना है। तो ये पाठ रीति मात्रा का जिस प्रकार मैंने पढ़ाया,